अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पाथफाइंडर एजुकेयर के विद्यार्थियों ने गत दिनों हुई इंग्लिश में साइंस के ओलंपियाड में गोल्ड सिल्वर मेडल हासिल करके एकेडमी ही नहीं बल्कि अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है। आज पाथफाइंडर एजुकेयर में इन होनहार बच्चों का स्वागत समारोह रखा गया। वहीं इनको स्कूल संचालक ने सम्मानित करते हुए कहा कि जिस तरह से इन बच्चों ने मेहनत की है वे बधाई के पात्र हैं। साथ ही उन्होंने अध्यापकों को भी बधाई दी जिन्होंने इन बच्चों की अच्छी तरह से तैयारी करवाई। वहीं उन्होंने सम्मान समारोह के दौरान बच्चों से कहा कि जिस तरह से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है इसी तरह से आगे भी अपनी मेहनत को जारी रखें। उन्होंने उन बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जो बच्चे मेडल नहीं लेकर आए हैं उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है, वे अपनी मेहनत को जारी रखें, आने वाला समय उनका भी होगा। वहीं इसी अवसर पर मेडल आने वाले विद्यार्थियों से हर न्यूज ने बातचीत की तो उन्होंने अपने विचार कुछ इस तरह से रखे। क्या नाम आपका? संतोष। बताइए बेटा, जो ओलंपियाड हुआ था उसमें आपने गोल्ड मेडल लिया, तो कैसा लग रहा आपको? मुझे साइंस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल मिला है और मतलब उससे बहुत ज़्यादा कुछ पता चला कि भाई मतलब नेक्स्ट लेवल कैसा हो सकता है, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा लगा। तो ओलंपियाड में आपने भाग लिया, गोल्ड मेडल भी मिला, तो श्रेय किसे देना चाहेंगे? इस चीज़ के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगी मेरे मतलब सभी टीचर्स को, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया मेरे साथ और उन्होंने जो भी कुछ डाउट्स है वो अच्छी तरह से इसमें सोल्व कराए हैं और उन्होंने बुक्स भी प्रोवाइड कराए। तो एकेडमी तैयारी कैसे कराती है जो ऐसे कंपटीशन होते हैं? तैयारी के लिए टीचर्स ने हमें सभी को बुक्स प्रोवाइड करा रखी हैं लाइब्रेरी में, और अगर किसी को घर पर भी पढ़नी है तो घर पर भी लेके जा सकता है बुक्स। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम आपका? साक्षी। बताएंगे बेटा, जो ओलंपियाड हुआ था उसमें आपको गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है? मुझे इंग्लिश ओलंपियाड के अंदर गोल्ड और साइंस ओलंपियाड के अंदर सिल्वर मेडल मिला है। तो क्या कहना चाहेंगे, जो आपने कंपटीशन में जो भाग लिया था तो गोल्ड मेडल भी मिला है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, कंपटीशन की फीलिंग अराइज हुई है, अब और अच्छा करेंगे नेक्स्ट टाइम सोचा है। तो कंपटीशन कैसे, जो कंपटीशन होते हैं उसकी तैयारी कैसे कराते हैं? जो लाइब्रेरी के अंदर हमारी बुक्स प्रोवाइड करा रखे हैं, हम उन बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं, कोई भी डाउट होता है अपने टीचर से क्लियर कर देते हैं, इंटरनेट की हेल्प से भी तैयारी करते हैं। तो श्रेय किसे देना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू थैंक्स माय पेरेंट्स एंड टीचर्स। क्या नाम आपका? ऋषभ। ऋषभ, बताएंगे जो कॉम्पिटिशन हुआ था ओलम्पियाड का, तो आपने पार्टिसिपेट किया, गोल्ड मेडल भी मिला आपको, कैसा लग रहा आपको? मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैंने पार्टिसिपेशन किया था, इसमें मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। जी, तो कंपटीशन के लिए किस तरह की तैयारी करी थी आपने? मैंने मेरे टीचर्स ने हेल्प करवाई थी, मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, अलग से कंपटीशन एग्जाम्स की बुक खरीदी थी। तो कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था जो ओलंपियाड हुआ था? हमारी क्लास से तो शायद 7-8 बच्चों ने किया। तो और भी बच्चे आए थे? तो इतने बच्चों में आपने पार्टिसिपेट किया, गोल्ड मेडल मिला, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खुश भी है। आगे जो और कंपटीशन है उसकी तैयारी कैसे करेंगे? टीचर्स करवाते हैं, हम खुद भी पढ़ते हैं, हमारी 11th की भी स्टडी करवाते थे एक्स्ट्रा क्लास में रुक के। तो श्रेय किसे देना चाहेंगे? श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरे टीचर्स और पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहेंगे। नाम आपका? मनीषा। मनीषा, बताएंगे ओलंपियाड हुआ था, आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत से बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था लेकिन आपको गोल्ड मिला, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की और मुझे गोल्ड मेडल मिला इंग्लिश ओलंपियाड में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज बच्चों के सामने आपको मेडल मिला, तो कैसा फील कर रहे हैं? मैं अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ, अपने टीचर्स पेरेंट्स बोलना चाहूँगी कि और मेरे टीचर्स ने मतलब उन्होंने मेरी प्रैक्टिस करवाई जब भी मैं गोल्ड मेडल लेके आ पाई, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उन्हें थैंक्स बोलना चाहूँगी। तो तैयारी कैसे कराते हैं कंपटीशन? तैयारी वो लोग हमें एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं उस चीज़ के लिए जिस जिसका ओलंपियाड है, मतलब लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह होती है वो हमें बोल देते हैं कि आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं, वो लेके हम प्रैक्टिस करते हैं सेल्फ स्टडी से। तो एकेडमी में आते हैं आप, तो फैकल्टी कैसी लगती है आपको यहाँ की? अच्छी लगती है। तो थैंक्स किसे बोलना चाहेंगे? मैं यहाँ के सारे टीचर्स को
और पेरेंट्स को, दोनों को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी इस चीज़ के लिए। तो आगामी जो कंपटीशन है उसकी तैयारी कैसे करेंगे? मेरी टीचर्स हेल्प करेंगी मुझे, वो मुझे अच्छी तरीके से पढ़ाएंगी और मैं अपनी सेल्फ स्टडी से मैं अच्छी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में से पढ़ के। क्या नाम आपका? स्नेहा। बताएं बताएं, जो ओलंपियाड हुआ था उसमें आपने गोल्ड मेडल लिया साइंस में, इसका तो कैसे महसूस कर रहे हैं? आई एम वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज टू गेट बोथ गोल्ड मेडल इन बोथ द सब्जेक्ट्स एंड आई होप आई विल डू मच बेटर इन द नेक्स्ट एग्जाम्स। तो कितने बच्चों ने आप पार्टिसिपेट किया और कितने आपके साथ? हमारे स्कूल से बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इस ओलंपियाड में, हर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा बच्चों ने किया। तो वो स्कूलों से भी आए हुए थे बच्चे? हाँ। तो आपको गोल्ड मिला तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है बहुत, और आगे भी मेहनत करते रहेंगे गोल्ड के लिए। आगामी दिन एक चुनौती दी है सर ने कि आगे भी एग्जाम होना है, तो उसके लिए किस तरह से तैयारी करेंगे? उसके लिए तैयारी करेंगे, पढ़ना पड़ेगा। तो ओलंपियाड हुआ तो उसके लिए किस तरह से तैयारी कराई थी स्कूल वालों ने? स्कूल वालों ने इंटरनेट से लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व की, अचीवर सेक्शन की प्रैक्टिस की, और जैसे साइंस में लिया था मैंने तो बायोलॉजी सेक्शन के लिए बुक्स परचेज करके पढ़ाई की उसे। तो थैंक्स बोलना चाहिए सर को? सारे टीचर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, स्पेशली निधि मैम को, मेरा बायो बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है और वो बहुत मेहनत कराती है इसके लिए, थैंक यू। क्या नाम है आपका? ऋषभ। बताइए बेटा, आपने जो ओलंपियाड हुआ था उसमें गोल्ड मेडल मिला है, तो कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा था। तो कंपटीशन हुआ था, वो तैयारी किस तरह से कराई थी आपकी इसमें जो एकेडमी है? टीचर्स हमारे ओलंपियाड की अलग से तैयारी करवाते थे, उस टाइम स्टडी टाइम तो पढ़ाते थे, इवनिंग क्लासेस भी पढ़ाते थे हमें, उसमें हमें थोड़ा बहुत 11th का सिलेबस करवाते थे जिससे हम इसकी अच्छी तैयारी कर सकें। तो मेहनत किया, मेहनत का फल मिला है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, थैंक्स किसे बोलना चाहेंगे? मेरे टीचर्स और पेरेंट्स को। अभी आगामी जो एग्ज़ाम होने हैं उसकी तैयारी किस तरह से करेंगे? अब जो मेरे को डाउट होंगे मैं अपने टीचर से पूछ लेता हूँ, सेल्फ स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है घर पे भी और स्कूल में भी। सभी विद्यार्थी व अकेडमी संचालक ने बताया कि आज उन्हें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि उनकी अकेडमी के बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों की आगामी तैयारी के लिए वे और ज्यादा मेहनत करेंगे और उन्होंने कहा कि उनका मकसद शिक्षा के प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। Myself, Mr. नरेंद्र कुमार एंड माई टीम मेंबर्स अमित गौतम एंड मिस्टर रविंद्र कुमार, हम सभी ने 2016 में तीनों ने मिलकर के एक ये इंस्टीट्यूट है वो स्टार्ट किया था, और हमारी जो इच्छाएं थी या जो हमारी सोच जो थी उसको हम आगे लेकर के बढ़े। हमारी सोच थी कि इस रूरल एरिया में एक तरीके से जो ऑलमोस्ट अर्बन नहीं है, ऑलमोस्ट जो रूरल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए हमने यहाँ एक छोटा सा एक इंस्टीट्यूट ओपन किया था, और जितना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था बच्चों ने और पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा हम पे विश्वास दिखाया है। और शुरू के ही साल में फर्स्ट जो सेशन है उसमें हमारे पास 167 स्टूडेंट्स हमारे पास गैदर्ड हुए, और उनमें से हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 4 जो स्टूडेंट्स हैं वो जी मेन्स में, और सॉरी थ्री स्टूडेंट्स हैं वो जी मेन्स में, और 4 स्टूडेंट्स हमने नीट का जो एग्ज़ाम वो क्वालिफाई कराया है। और लास्ट ईयर NTSC में हमारा एक बच्चा जो है वो NTSC में क्वालिफाई हुआ, और CBSE और HBSE दोनों ही बोर्ड से हम बच्चों की 10th और 12th क्लास है उसमें हम बच्चों को मतलब एडमिशन कराते हैं। और इसमें CBSE और HBSE बोर्ड जो है उन दोनों ही बोर्ड्स में हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। लास्ट ईयर लास्ट सेशन में हमारा जो टॉपर बच्चा रहा है उसके 93.9
93.4% मार्क्स रहे, जो कि सीबीएसई से मिस सुमेधा डॉटर ऑफ दीवान सिंह एंड एचबीएससी से मिस मुस्कान यादव डॉटर ऑफ अनिल यादव जिन्होंने 94.8% मार्क्स अचीव किया और हमारे संस्थान का नाम भी ऊँचा किया और साथ में अपने पेरेंट्स का और सराउंडिंग जो है उसका भी नाम रोशन किया है। सर बताएं जो कंपटीशन होते हैं उन कंपटीशन की तैयारी एकेडमी किस तरह से कराती है? हम कंपटीशन के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे उन बच्चों को सेपरेट आउट करते हैं और उनको अलग से एनडीए की और एनटीएससी की ओलंपियाड्स की और नीट की जेईई मेंस जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है स्टूडेंट्स के लिए और बोर्ड एग्जाम्स की सेपरेट हम अलग अलग तैयारियाँ कराते हैं। तो अभी हाल ही में ओलंपियाड हुआ था, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने इनाम भी लिए थे, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वेरी वेरी वो बच्चे बहुत ही बधाई के पात्र हैं और बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने ओलंपियाड में मोर देन 100 स्टूडेंट्स ने ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया है। इसमें इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड और इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड एंड साइंस ओलंपियाड दोनों ही हैं। SOF इसको मतलब डील कर रही है, तो यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनसे रिलेट करते हैं हमारे मिस्टर विकास भारद्वाज जी, क्योंकि आज हमने इनको इनवाइट किया था यहाँ कि हमारे बच्चों को जो गोल्ड मेडल फर्स्ट पोजीशन सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जो बच्चे आए थे उनको मेडल उनके हाथ से अगर हम दे पाएँ तो हमें अच्छा लगा। बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके इसमें पार्टिसिपेट किया और 43 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स के 43 स्टूडेंट्स सेकंड लेवल के एग्ज़ाम के लिए अपीयर थे हुए लास्ट जो संडे था उसमें, और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे इस चीज़ को लेकर भी कि हमारा जो मोटो है वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की जो भावना है उसको पैदा करना है। ऑलमोस्ट बच्चे थोड़ा सा डरते हैं इस चीज़ को, कंपटीशन को फेस करने से डरते हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है वो बस यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, एटलीस्ट वो पार्टिसिपेट करें और उसके बाद क्या रिजल्ट होता है उस पर मंथन करें और आगे बढ़े। तो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे खासकर? बच्चों को तो यही कहेंगे कि जितनी भी ड्यूरिंग द होल ईयर जितनी भी इवेंट्स होती हैं उन सभी इवेंट्स में सभी सारे के सारे बच्चे हैं वो बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लें, हिस्सा लें। वो अच्छा हुआ नहीं हुआ वो बाद की चीज़ें हैं, एटलीस्ट फर्स्ट वो उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, चाहे वो कोई क्विज कॉन्टेस्ट है, चाहे वो कोई ओलंपियाड है, चाहे वो NTSC के लिए है या फिर वो KVPY के लिए है। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी यही मोटो है और हम तो उनका जो काम है उसको अपने बच्चों में स्प्रेड कर रहे हैं, उनको मतलब जानकारी दे रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो वी आर द मीडियम, टीचर्स आर द मीडियम फॉर द स्टूडेंट्स। तो बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे जब जैसा आप काम करते हैं उसका बच्चों के थ्रू उस एवेज में आपको मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं तो अच्छा लगता है। पेरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं। हमने सबसे पहली चीज़ तो हमारे जो जज्जर एरिया है जो सराउंडिंग है उसमें अकेडमीज के बारे में कोई बहुत अच्छी सोच नहीं थी लोगों की कि अकेडमीज में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ना तो कोई सिस्टम है यहाँ, है ना, कभी भी बच्चे आए कभी भी गए, उन सभी चीज़ों को हमने मतलब तोड़ा है जो लोगों के माइंड सेट थे इस चीज़ को लेकर के कि अकेडमीज में ऐसा नहीं है। लेकिन हमसे जो पेरेंट्स जुड़े हैं उनको काफ़ी अच्छा लगा, स्कूलिंग भी अच्छी लगी, हमने साथ साथ में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमने प्लान किया। किसी भी अकेडमी में आप देखो कि किसी भी अकेडमी में कहीं भी
साइंस लैब वगैरह नहीं है, हमने साइंस लैब स्टार्टिंग से प्रोवाइड कराते हैं, तो हमारी जो टीम है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है इस चीज़ के लिए। बिल्कुल शुरू से ही किस कोई भी टॉपिक जो आप वो लैब में करा सकते हैं वो लैब में कराते हैं, फुल्ली एसी, और हमने फुल्ली एसी कैंपस दिया है यहाँ। अगर मैं इस चीज़ को भी अगर अवॉइड करूँ तो जो अकेडमिक्स जो पार्ट है वो हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं अपना, अपनी तरफ से पूरे साल भर में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेजेंटेशन करते हैं, ये भी इतने की स्टडी है, प्रत्येक बच्चा किसी न किसी टॉपिक को लेकर के और उसको प्रेजेंट करता है क्लास में, तो वो उसको प्रेजेंट करने के लिए वो अच्छे से पढ़ते भी हैं, ठीक है, उस टॉपिक को वहाँ क्लास में जब वो अच्छे से सभी बच्चों के बीच में बोलता है तो वो फिर कभी नहीं भूल पाता उस चीज़ को। तो प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है और आगे हायर एजुकेशन में प्रेजेंटेशन होती भी है, तो हमारे बच्चे नाइन्थ क्लास से ही अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, कंपटीशन के लिए हम क्विज कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं, क्विज कॉन्टेस्ट टाइम बाय टाइम विद इन 15 डेज और इन ए मंथ, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं उसमें भी बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा भी लगता है, ये कंपटीशन की जो भावना है वो हमारे बच्चों में पैदा होती है। झज्जर से गौरव के साथ संजय थरान की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।